हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया, आई एम टोटली ऑन माय बेयर फेस, क्योंकि मुझे एक प्रोडक्ट का रिव्यू करना है एंड उसका डेमो वगैरह सब कुछ आपके सामने ही देना है, आपको दिखाना है कि ऐसा वर्क करता है, क्या करता है। इसलिए जस्ट फेस वॉश किया है, टोनर भी अप्लाई नहीं किया है, जस्ट ऐसे ही फेस वॉश करके वीडियो शूट करने के लिए बैठ गई, दैट्स इट। और वैसे भी मेरा मेकअप करने का बिल्कुल मूड नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट्स काफ़ी निकल रहे, लेकिन यहाँ पे कोई जगह है ब्रेकआउट निकलने की लिप्स के ऊपर, बाकी तो ठीक है, चिक्स वगैरह पे निकल गए तो वो एक इनहैंस हो गया दिखता है। लिप्स के ऊपर ब्रेकआउट आते हैं, मुझे आते हैं, वैसे मेरे एक्ने प्रोन स्किन है, मुझे ब्रेकआउट्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, एकदम फैमिली मेंबर है मेरे, तो मैं भी उन काफ़ी अच्छे से बाल को उसके बड़ा करती हूँ और फिर भेज दी जाता है वहाँ। जो सपाट बढ़ते हैं रिव्यू की तरफ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई मतलब वन वीक यूज़ करने के बाद, वन मंथ यूज़ करने के बाद ऐसा कोई रिव्यू नहीं है, ये ऑलमोस्ट 5 to 6 months से मैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद एकदम सेटिस्फाई होकर फिर इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। नॉट ओनली ऑन माई स्किन, मेरे काफ़ी फैमिली मेम्बर्स ने इसको यूज़ किया है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्किन पे इसने किस तरह वर्क किया है मैं सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर करूँगी। सो कैसा एक अच्छा हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए कि आपकी स्किन किस टाइप की है एंड फिर भी आप पे वर्क करेगा नहीं करेगा। सो लेट्स रोल इन टू द वीडियो एंड अगर किसी भी पॉइंट पे हेल्पफुल लग जाती है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लेट्स रोल। सो दिस इज मामा अर्थ का स्किन करेक्ट फेस सीरम विथ नियासिनामाइड एंड जिंजर एक्सट्रैक्ट। वैसे इस प्रोडक्ट के ऊपर आपने यूट्यूब पे ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज देखे होंगे इन इंग्लिश, हिंदी, तमिल, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, बट मुझे पर्सनली इसका रिव्यू शेयर करना था एंड मैंने लास्ट टाइम एक हाई रिकमेंड प्रोडक्ट शेयर मीन्स इसके ऊपर एक वीडियो शेयर किया था फ्रॉम मामा अर्थ, उसमें मुझे कमेंट्स आए थे कि कैन टीनेजर्स यूज दिस प्रोडक्ट और नॉट, क्योंकि टीनेजर्स एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो उस टाइम पे उनको पिंपल्स आना इट्स वेरी कॉमन एंड उसको ट्रीट करने के लिए एक प्रॉपरली ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट सर्च करना बहुत मुश्किल है। तो टीनेजर्स का ही मुझे डीएम आए थे कि कैन टीनेजर्स यूज दिस और नॉट, तो मैं सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर करने वाली हूँ कि इसको कौन यूज़ कर सकता है, नहीं कर सकता है एंड आपको ये सच में बाय करना चाहिए, आपके पैसे इस पर इन्वेस्ट करने चाहिए क्योंकि एक्सपेंसिव है, 600 rupees का है और सिर्फ 30 ml प्रोडक्ट ही मिलता है, तो आपको ये बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो सारे पॉइंट्स कवर होंगे, स्टार्ट करते हैं पैकेजिंग से। ओके, सो पैकेजिंग की बात करें तो इसका आउटर बॉक्स तो फिलहाल मेरे पास नहीं है, इसका मीन्स मैं साइड में पिक इंसर्ट कर दूंगी कि किस तरह आपको डिलीवर्ड होता है एंड ये यहाँ पे ड्रॉपर नहीं होता, यहाँ पे एक प्लास्टिक की कैप होती है और ये ड्रॉपर आपको अलग से मिलता है, फिर आपको प्लास्टिक कैप हटा के जैसे ड्रॉपर लगा देना है एंड फिर आपको ऐसे ही यूज़ करना है। तो पैकेजिंग इज़ क्वाइट गुड, छोटू सी बॉटल, ग्लास बॉटल, मतलब पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, स्टर्डी है एंड मेरे हिसाब से ट्रैवल फ्रेंडली भी बोल सकते हो आप इसको। पैकेजिंग की बात तो हो गई, बात करते हैं कि इसके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की ये क्या क्लेम्स करता है एंड इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो सच में कैसा वर्क करते हैं एंड इंग्रेडिएंट्स जो इसमें डाले गए हैं इन रियलिटी उनके फायदे क्या है, तो मैं आपको पॉइंट वाइज सब कुछ समझाऊंगी। तो सबसे पहले कि इसका जो क्लेम है वो है कि ये एक्ने मार्क्स को फेड ऑफ करता है, स्कार्स को फेड ऑफ करता है, ओके। एंड इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो है नियासिनामाइड एंड जिंजर एक्सट्रैक्ट, तो इसमें ये दो, ऐसे तो और भी इंग्रेडिएंट्स है इसमें बट जो कहते हैं ना स्टार ऑफ द प्रोडक्ट या फिर जो मेन इसमें इंग्रेडिएंट है वो है नियासिनामाइड एंड जिंजर एक्सट्रैक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नियासिनामाइड क्या है। ओक्सो नियासिनामाइड जो है वो निकोटिनामाइड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि फॉर्म होता है B3+ का और इसके बहुत सारे फायदे हैं, लाइक आपकी बॉडी में ही बहुत सारे फायदे हैं इसके, लेकिन यहाँ पे हमें वो बात नहीं करनी है, स्पेशली यहाँ पे मैं स्किन के लिए मतलब ये कैसा वर्क करता है वो मैं बताने वाली हूँ। सो ये टारगेट करता है आपकी एक्नेस को, एक्ने से जो रेडनेस हो जाती है उसको, उसके बाद जब वो आपके पोर्स पिंपल्स होने के बाद जो ओपन पोर्स हो जाते हैं जो कि बहुत ही लार्ज वाले होते हैं उसको मिनिमाइज करता है, आपकी स्किन एक्स्ट्रा ऑयली हो जाती है उस ऑयल को कंट्रोल करके प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करता है आपकी स्किन पर, आफ्टर दैट सन से जो डैमेज हो जाता है आपका स्किन उसको भी प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है सन डैमेज को, हाइपोपिगमेंटेशन हो जाती है लाइक अनइवन स्किन टोन हो जाती है आपके, यहाँ पे डार्क हो जाती है हल्का फुल्का, मतलब स्किन आपका फेस जो है कहीं भी हल्का स्किन डार्क लगता है कहीं लाइट लगता है, इट मीन्स हाइपोपिगमेंटेशन हो जाता है उसको भी फेड ऑफ करता है। इन शॉर्ट आपकी स्किन हेल्थ को बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव करता है, आपका स्किन टेक्सचर बहुत ही मतलब किस लेवल तक बोलूँ बहुत ही सही वाला आपकी स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है एंड इट मेक्स योर स्किन वेरी हेल्दी।
तो ये सारे जो काम है वो है नियासिनमाइड के, जो कि वो आपकी स्किन के लिए एक्चुअली ऐसा कुछ वर्क करता है। तो अगर एक इंग्रेडिएंट आपकी स्किन में इतने सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करे तो व्हाई नॉट। अब बात करते हैं कि इसमें जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है जिंजर एक्सट्रैक्ट। अब ये इसमें कैसे वर्क करेगा आपकी स्किन के लिए, तो जिंजर एक्सट्रैक्ट जो होता है उसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स बहुत ही मतलब सॉलिड होती है, मतलब बहुत हाई लेवल पे होती है, एंड ये आपकी स्किन में जो रफनेस हो जाती है उसको इम्प्रूव करता है। इन शॉर्ट आपके स्किन टेक्सचर को ये भी इम्प्रूव करने में काफी हेल्प करता है, न्यू स्किन सेल्स को बोन करने में हेल्प करता है। तो इसका एक इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो यही काम है कि जो आपकी स्किन डैमेज हो चुकी है, लाइक पोर्स हो गए हैं, डैमेज स्किन, आपके जो बड़े बड़े पोर्स हो जाते हैं वो फिल क्यों नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो स्किन इतनी डैमेज हो चुकी है कि वहाँ पे आपकी स्किन सेल्स बंदा बंद हो जाती है। तो ये ऐसा वर्क करता है, वहाँ पे स्किन सेल्स ग्रोथ होने में हेल्प करता है। फिर जो मिलाजमा लाइक छाई वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है आपको, उसको भी काफ़ी अच्छे से फेड ऑफ करता है। एंड जो भी डार्क स्पॉट्स, नॉट ओनली एक्ने की वजह से, आपकी स्किन पे कोई भी अगर डार्क स्पॉट है, पैचेस है, तो उसको भी ये बहुत ही अच्छे से फेड ऑफ करता है। तो नियासिनमाइड एंड जिंजर एक्सट्रैक्ट, दे बोथ आर वेरी पावरफुल इंग्रेडिएंट आपकी स्किन टेक्सचर को इवन करने में या फिर आपकी स्किन को हेल्दी रखने में। बात हो गई कि इसके की इंग्रेडिएंट्स, मतलब इन शॉर्ट की इंग्रेडिएंट्स के क्या बेनिफिट्स है, क्या काम करते हैं, ये सारी चीज़ें पैकेजिंग की बात हमने कर ली। अब मैं यहाँ पे अपना पर्सनल रिव्यू शेयर करती हूँ कि इसने मेरी स्किन पे कैसा वर्क किया एंड आपको ये ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना आप अगर पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो वर्क करेगा या नहीं करेगा। पर्सनल रिव्यू शेयर करने वाली हूँ अब, बाकी बातें बाजू में। अब ये देखना है आपको कि इसने मेरे स्किन पे कैसा वर्क किया है एंड मेरी स्किन टेक्सचर इंप्रूव हुई है नहीं हुई है। एज आई टोल्ड कि आई हैव वेरी सीवियर एक्ने प्रोन स्किन, मेरे फेस पे बहुत सारे एक्नेस ऑलरेडी आ चुके हैं एंड अभी भी चल ही रहे हैं, क्योंकि भैया अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है वो कभी आपकी स्किन से नहीं जाने वाले हैं। स्किन क्लियर हो जाए आपका, पूरा स्मूथ आउट सब कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी आपको एक्नेस आने ही वाले हैं। एक आए, दो आए, लेकिन एक्ने आने वाले, क्योंकि आपका स्किन उस टाइप का है। इसके अभी तो मेरे पास फिलहाल 2 बॉटल्स है, मैं इसके ऑलरेडी और 2 ब�टल यूज़ कर चुकी हूँ, टोटल 4 बॉटल्स यूज़ किए हैं मैंने इसके, एंड काफ़ी अच्छा मैंने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया। तो नॉर्मल सी बात है, मैंने 4 बॉटल इसके खरीदे तो कुछ तो डिफरेंस आया होगा, तभी मैंने इन्वेस्ट किया है इसमें, क्योंकि मैं भी बड़ी कंजूस टाइप की लड़की हूँ। कोई भी प्रोडक्ट ऐसे खरीदना मेरे को भी थोड़ा लगता है कि यार इतना पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ तो अगर वर्क नहीं किया तो पैसे सारे मेरे वेस्ट हो जाएंगे। सबसे पहले मैं इसको अप्लाई करके दिखा दूँ कि इसका टेक्स्चर कैसा है एंड बाकी चीज़ें। तो ये एक मतलब फेशियल ऑयल टाइप, आपको जस्ट फेस वॉश करना है, आप टोनर अप्लाई कर दो तो टोनर लगा लो, नहीं तो फिर जस्ट ये प्रोडक्ट लेना है एज अ सीरम, आपको अप्लाई करना है अपने पूरे फेस पे। एंड बहुत ही लाइट वेट है, बहुत जल्दी आपकी स्किन पे ब्लेंड हो जाता है। हाँ, हल्का सा स्टिकी फील होगा आपको स्टार्टिंग में, बट विद इन सेकेंड से आपकी स्किन में बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा एंड पता भी नहीं चलेगा कि कुछ आपने अप्लाई किया भी है। बहुत ही लाइट वेट है, उसे एज यू कैन सी, मैं अगर जूम करके दिखाऊँ तो मेरा फेस आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा कि मेरे फेस का मतलब क्या टेक्सचर है, क्या हालत है। लाइक आपको यहाँ पे कितनी रेडनेस दिख रही है, मुझे ओपन पोर्स भी है फिलहाल, इतने नहीं है, बहुत मिनिमाइज हुए पहले से। एंड ये तो मुझे पता नहीं यार यहाँ पे क्यों पिंपल आई है, कोई जगह थोड़ी है पिंपल आने की। यहाँ पे आपको काफ़ी रेडनेस दिख रहा होगा, आपने थंबनेल पे मेरी पिक देखी होगी, पता चल रहा होगा कि बंदी के चेहरे पे कितना डिफरेंस आया है पहले से अभी। मैंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं एंड उसकी वजह से मेरी स्किन ख़राब हो गई थी या फिर ऐसा कुछ। अगर मैं इन रियलिटी बताऊँ तो मुझे लास्ट 6 ईयर्स से पिंपल्स की प्रॉब्लम है। मैंने फ्यू ईयर्स अगो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है पिंपल्स का, फिर मैंने स्टॉप कर दिया क्योंकि मुझे मतलब ठीक है उसका डिफरेंस लगा था, डिफरेंस आया भी था, बट किसी रीजन की वजह से मैंने उसको स्टॉप कर दिया था। एंड आफ्टर दैट मैं कोई मेडिकेशन तो नहीं ले सकती थी, पर हाँ उन्होंने जो मुझे स्कार्स के लिए क्रीम सजेस्ट किया था वो मैंने कंटिन्यू किया, बट आफ्टर फ्यू टाइम मतलब कुछ टाइम बाद ना मुझे उसका डिफरेंस नहीं लगा। मतलब स्कार्स के लिए मैंने मेडिकेटेड क्रीम्स भी यूज़ किए हैं बट मुझे उसका कोई भी डिफरेंस नहीं लगा। हाँ, पिंपल्स चले जाते थे पर स्कार्स का क्या, वो भी तो जाना ज़रूरी है ना, तो स्कार्स में मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा, स्कार्स मेरे वहीं थे। तो उसके बाद मैंने मामाअर्थ का ये वाला सीरम स्टार्ट किया, एक वो फिंगर क्रॉस करके फिर मैंने उसको यूज़ करना स्टार्ट किया, क्योंकि मेडिकेटेड क्रीम के बाद अगर वापस मैं इन सारी चीज़ों में आ जाऊँ तो पता नहीं स्किन का टेक्सचर फिर से ख़राब हो जाए ऐसा वैसा। तो एकदम फिंगर क्रॉस करके मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है एंड स्टार्टिंग में मुझे इसके डिफरेंस पता नहीं चल रहे थे। मैंने 1 बॉटल यूज़ कर लिया था, मुझे इसके डिफरेंस इतने पता नहीं चल रहे थे क्योंकि मेरे जो स्कार्स है वो बहुत ही पुराने वाले हैं। आप खुद समझ सकते हो कि मुझे 6 ईयर्स पहले से मुझे पिंपल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो नॉर्मल सी बात है स्कार्स मेरे बहुत पुराने हैं। तो
इसको भी वर्क करने में टाइम तो लगेगा। तो इन शॉर्ट अगर आपके फेस पे स्कार्स पिंपल्स वगैरह है, अगर अभी आए हैं, क्योंकि एकदम ताज़ा फ्रेशली आए हैं, तो आपको डिफरेंस बहुत जल्दी मिलेगा। अगर आपको काफ़ी टाइम हो चुका है, आपका फेस डैमेज हुए, तो डिफरेंस डेफिनेटली आएंगे, 110% डिफरेंस आएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। 600 रुपीज़ सिर्फ 30 ml प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक सच में ये मतलब रिस्क लेने वाली बात होती है कि सच में वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो 110% 200% 300% 1000% ये आपकी स्किन पर डेफिनेटली वर्क करेगा, बिल्कुल भी आप रिग्रेट नहीं होंगे इसको लेके। एंड आई एम श्योर कि आपको सही में इसको ट्राई करना ही चाहिए। यहाँ पे एक मुझे पॉइंट कवर करना है कि टीनएजर्स इसको यूज कर सकते हैं या नहीं, तो डेफिनेटली टीनएजर्स को यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल या फिर कुछ भी नहीं है, उनकी स्किन पे एकदम सेफ है। नॉर्मल सी बात है कि टीनेजर्स की हार्मोनल इंबैलेंस बहुत ही फटाफट होते रहती है, मतलब उनको पिंपल्स आना जाना, स्किन टेक्सचर उनका बहुत जल्दी चेंज होते रहता है, एंड उस टाइम पे कोई एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करना उनकी स्किन के लिए इज क्वाइट अ टास्क। लेकिन डेफिनेटली आप ये वाला सीरम आंख बंद करके ट्राई कर सकते हो, टीनेजर्स के लिए भी ये बेस्ट है। इन शॉर्ट आपकी कोई भी एज हो, आप ये सीरम ट्राई कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो मेरा फाइनल ओपिनियन यही था, मेरे 6 ईयर्स बैक स्कार्स अगर गए हैं तो आपके ताजे वाले स्कार्स भी चले जाएंगे। सो डेफिनेटली टीनेजर्स भी ट्राई कर सकते हैं। मेरी सिस्टर शी इज ऑल्सो अ टीनेजर एंड वो भी मतलब उसने भी काफी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, मेरे मेडिकेटेड वाले प्रोडक्ट्स भी यूज किए हैं उसने, उसको भी पिंपल्स वगैरह आते थे, तो मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स से पिंपल्स चले जाते थे, पर वो कहते ना कि वो मोटे मोटे वाले दाग धब्बे रह जाते थे, उनको भी तो हटाना जरूरी है ना, तो मेडिकेटेड प्रोडक्ट से मेरा स्कार नहीं गया। एंड मैंने सीरम यूज किया है, सेम सीरम मेरी मम्मी ने भी यूज किया है, बिकॉज ऑफ शी हैज अ प्रॉब्लम ऑफ मेलाज्मा छाही, एंड उसमें भी इसने मतलब वो कहते हैं ना बहुत दही वाला वर्क किया है, मतलब मेलाज्मा की प्रॉब्लम भी काफ़ी टाइम से थी एंड वो भी फेड ऑफ हुई है, मतलब इतने पुराने पुराने प्रॉब्लम अगर फेड ऑफ हो रहे हैं इस प्रोडक्ट से, तो आप क्यों ना इसको ट्राई करो। तो आप मेरी मम्मी के समझ सकते हो कितनी होगी, एंड माई सिस्टर शी इज अ टीनेजर एंड यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे 3 डिफरेंट एज के लोग इसको यूज कर रहे हैं एंड तीनों पे इसने इतना अच्छा वर्क किया है। तो अब मैं आपको और क्या एग्जांपल दूं कि इतने सारे स्किन पे इसने इतना अच्छा वर्क किया, डेफिनेटली आप इसको ट्राई तो कर ही सकते हो ना। वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन हाँ इन डिटेल मैंने इसका रिव्यू दे दिया है। तो मेरा फाइनल एकदम फाइनल वाला रिव्यू ओपिनियन जो भी आपका हो यही रहेगा कि आप ये प्रोडक्ट एकदम आंख बंद करके ट्राई कर सकते हो। अगर आपके एक्ने प्रोन स्किन, आपको पिंपल्स आ रहे हैं, स्कार्स है, पिगमेंटेशन है, स्किन आपके डैमेज हो चुकी है, अनइवन स्किन टोन है, और क्या कहूँ, मतलब आपको स्किन प्रॉब्लम्स है और आपकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है, तो आप आंख बंद करके ये प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हो। एक बार मेरे कहने पे 600 रुपीज़ इन्वेस्ट करके डेफिनेटली देखना। वैसे 600 तो नहीं, क्योंकि मामाअर्थ पे कुछ ना कुछ ऑफर चलते रहता है, तो आपको 20% 30% डिस्काउंट तो आराम से मिल जाएगा। तो डिस्काउंट के साथ आप इसको डेफिनेटली ट्राई करो एंड एट टाइम श्योर बहुत अच्छा डिफरेंस मिलेगा आपको। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए तो कमेंट सेक्शन, डू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर किसी को स्कार्स की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो डेफिनेटली शेयर करो उनके साथ, एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।